सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस न्यू ब्लॉग में हम लोग परचेज करने जा रहे हैं एक लैपटॉप, जो कि अभी वहां पे देखेंगे। देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा लैपटॉप लेंगे। ऐसे मैंने देख रखा है एक दो लैपटॉप जो कि मुझे पसंद है, i7। एटलीस्ट कम से कम तो 1 TB इंटरनल SSD होना चाहिए। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं A एसपी वर्मा few रोड, एंड moments later. वहाँ पे जाके एक दो दुकान में जाके चेक करेंगे। एंड चेक करने के बाद देखते हैं किस में क्या क्या मुझे मिलता है, एंड वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो गाइस, अभी तो वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता बात तो सही है। है गाइस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक लैपटॉप लिया जाए, एंड उसमें एडिटिंग के लिए, मतलब वीडियो एडिट करने में आसानी होगा। सो तो हम लोग अभी यहाँ अटल पथ पहुँच चुके हैं, एंड अटल पथ से होते हुए डायरेक्ट यहाँ से स्टेशन होके और फटाफट से एसपी रोड चला जाएंगे। अच्छा तो अभी तो हम लोग अटल पथ स्टार्ट किए हैं, एंड तो चलिए थोड़ा बहुत बातें चीतें करते करते हम लोग चल चलेंगे। तो गाइस, तो अभी कुछ लैपटॉप्स के बारे में टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। एंड तो मुझे कम से कम i7 एंड i7 Gen 11 to 13 चाहिए, एंड उसके बाद तो मुझे बस रिक्वायरमेंट इतना ही है, एंड 1 TB SSD होना चाहिए। उसके बाद बाकी मैंने एक लैपटॉप देख रखा है, एसर का है, रेडिटर। तो पहले उसके बारे में लोग वहाँ पर जाके चेक करेंगे क्या कैसे किस तरह का रेट है, एंड वहाँ पे देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है अभी। तो पहले वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, देखने के बाद डिसाइड होगा कि गाइस लेना है कि नहीं लेना है। ऐसे तो मुझे लैपटॉप लेना ही है, क्योंकि मोबाइल से एडिट नहीं हो पाता है गाइस, तो इस वजह से मुझे लैपटॉप लेना पड़ रहा है। तो ऐसे ये ब्लॉग मेरा शायद 15th या 4th, नहीं गाइस, ब्लॉग शॉर्ट्स डालते रहते हैं गाइस, तो ये सब को ध्यान मत दीजिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिप्लाई कीजिए, एंड क्या बढ़िया था गुरु। बस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बोर्डिंग रोड से, बहुत आगे आ चुके हैं। मीन्स कि हम बोर्डिंग रोड से आगे आ चुके हैं, हम लोग कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम लोग आर ब्लॉक पहुंचने वाले हैं गाइस। आर ब्लॉक नहीं पहुंचे अभी, तो और बताइए गाइस क्या हाल चाल है, सब बढ़िया? यहाँ पे अटल पथ खाली खाली मिलता है गाइस। अभी तो पटना का तो राम बिंदास ये मामा जा रहे हैं गाइस, चेक करें मामा इज हियर। चलिए इनसाइड निकलते हैं, आगे निकलेंगे तब ना जल्दी पहुंचेंगे। तो ये सब को इग्नोर करते हुए गाइस हम लोग आगे चलते हैं, एंड यहाँ से निकलते 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 हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो को स्किप करेंगे थोड़ा बहुत आगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम लोग वीडियो कपाट के जैसे तैसे एडिट करके उसके बाद आप लोग के सामने पेश करेंगे। क्या बोला तूने? तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी छोटा मोटा यूज़र हूँ, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नया नया वीडियो आएगा तो देखिए कैसे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अब आर ब्लॉक पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पे सामने में एक कैमरा लगा हुआ है गाइस, ऊपर वाला सब देखता है। अभी तो हालांकि पटना में पूरा एक कैमरा ही कैमरा लगा हुआ है गाइस, एकदम बिंदास, बिना हेलमेट के जाइए, 1000 रुपये का चालान खाइए। बॉय तो गाइस यहाँ से हम लोग सीधे निकल जाएंगे
सीधे निकलने के बाद हम लोग वहाँ से इसके ऊपर निकल जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग को 2000 years later. So guys, तो बहुत छानबीन करने के बाद मुझे Acer Predator Neo 16 मिल चुका है एंड ऑनलाइन से सस्ता मिल रहा था, इसीलिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया. एंड तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है. यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का मतलब कैमरा में थोड़ा सा लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, तो आप लोग उतना यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग हमें जो चाहिए वो है कि नहीं. एंड यहाँ पे हाँ i7 है 15. सो गाइस, तो हम लोग एक टीवी ये परचेज करने वाले हैं, तो इसका देखते हैं अनबॉक्सिंग करवा लेते हैं गाइस इन्हीं से, क्योंकि अच्छा खासा पैसा लगा है तो अनबॉक्सिंग तो बनता है गाइस. बड़ा हरामी हो बेटा, पार्टी कब दे रहे हैं गाइस, छुट्टी हो सब. देखते हैं अंदर से मटेरियल निकलता है कैसा. क्या बोला तूने गाइस, तो लैपटॉप यहाँ पे देख सकते हैं हम, बिंदास झकास. ये रहा उसका चार्जर जिससे हम लोग उसको चार्ज करेंगे. अच्छा. एंड तो गाइस, मैंने दो तीन दुकान देखे जहाँ पे, कई दुकान पे तो ये अवेलेबल नहीं था, और एक आसूस का भी देखे ROG स्ट्रीक करके था. और उसके बाद ये हमारा लैपटॉप. हाय हाय, इतना सुकून. तो इसका इस तरह का इंटरफेस है गाइस, इसमें चार्ज नहीं है तो अभी ओपन नहीं होगा. एंड तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही था. एंड ये रहा इनका शॉप जो कि SP Brown Road में है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू.